लखनऊ की जब भी बात आती है तो याद आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी विरासत पर कईयों ने दावा ठोका। 2017 में भी लखनऊ मध्य सीट से ब्रजेश पाठक ने दावा ठोका और उसके बाद भाजपा को अपनी पुरानी सीट हासिल हुई। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री बने। 2017 से लेकर अब तक के दौर में क्या बदले हैं समीकरण लखनऊ मध्य सीट के, यही समीकरण आपको दिखाते हैं। ये लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजनीति की भी राजधानी है। इसी लखनऊ ने अपने दामन में समेट रखा है सियासत का वो इतिहास जो अमिट है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 9 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं और वो है लखनऊ मध्य विधानसभा सीट, जिसका बड़ा रोचक इतिहास है। तो विजय तिलक की इस जंग की बात करें और राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर हॉट सीट में लखनऊ मध्य विधानसभा भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहाँ से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव जीते विधानसभा चुनाव में। हालांकि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 5000 वोट से जीते थे सपा कैंडिडेट से, लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं, जिस तरीके से सरकार और संगठन में वो मजबूत अपना कद रखते हैं, पद रखते हैं, उस लिहाज से सीट बड़ी हाई प्रोफाइल। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट ने बारी बारी से सभी दलों को मौका दिया, लेकिन 1989 से ये सीट भाजपा की परंपरागत सीट बन गई। 1989 और 1991 में भाजपा के बसंत लाल गुप्ता यहाँ से विधायक बने। 1993 में भाजपा के राम प्रकाश विधायक बने। 1996, 2002 और 2007 में भाजपा के सुरेश कुमार श्रीवास्तव यहां से विधायक चुने गए, लेकिन साल 2012 में भाजपा की इस परंपरागत सीट पर साइकिल दौड़ी और सपा के रविदास मेहरोत्रा यहां से विधायक बने। साल 2017 में लखनऊ मध्य सीट पर फिर से कमल खिला और भाजपा के ब्रजेश पाठक यहां से विधायक चुने गए। ये जो सीट है मध्य विधानसभा जो है लखनऊ सेंट्रल जिसे कहते हैं, वो 1989 से लेकर 2012 तक बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के जो रविदास मेहरोत्रा है वो चुनाव जीत गए थे। 5 साल तक ये सीट सपा के खाते में रही, लेकिन 2017 में एक बार फिर से ब्रजेश पाठक ने चुनाव जीता और जो सीट लंबे अरसे से भाजपा के खाते में थी उसे वापस लेकर आए। एक बार फिर इस सीट पर ब्रजेश पाठक ने कमल खिलाया तो बदले में भाजपा ने ब्रजेश पाठक को योगी सरकार में न सिर्फ शामिल किया बल्कि सूबे का कानून मंत्री बनाया गया। एक बार फिर चुनाव का शोर इस सीट पर सुनाई दे रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि भाजपा के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाई जाए। 2017 में समाजवादी पार्टी से हम चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से चुनाव में हार हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो ब्रजेश पाठक 5 साल से मंत्री रहे हैं, क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं किया गया है। इन दावों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा अपना ये मजबूत किला फिर से बचा पाती है या फिर विपक्ष की धार जीत की इस डोर को काटने में कामयाब होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।